हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब? बढ़िया हो ना? बढ़िया ही रहना, ठीक है? सब ठीक रहना। और हम तो यहाँ काफी परेशानी में गिर गए, मैंने कल भी बताया था आपको, बहुत परेशान है हम लोग इस टाइम पे। वही कहते हैं ना, भगवान परीक्षा लेते हैं। कोई कोई दिन तो मतलब अच्छा हंसी खुशी बीत जाता है, कोई कोई दिन ऐसा आता है कि भाई आदमी मतलब टेंशन नहीं उतरती है। कल से हमारा ऐसा ही टाइम चल रहा है। और कल रात को जब शाम हो दोपहर में मुझे पता लग गई थी, तब से मेरे को बस यही हो रहा था, भगवान कुछ ना हो सब ठीक हो जाए, सब ठीक हो जाए। और कल कौशिक जी को बाहर सुला दिया था मैंने रात को, लेकिन कौशिक जी ने फिर मेरे दरवाजा बंद कर दिया। तो मुझे तो अकेला डर लगता है घर में, आपको पता है मैं डरती हूँ। और मुझे रात को डर लग रहा था, तो मैंने कहा कौशिक जी दरवाजा खोल दो मेरा, मैंने की मैं नहीं सोऊंगी, अकेले दरवाजा खोलो। फिर इन्होंने कहा मुझसे एसी चल रहा है, एसी बंद करो, क्योंकि इनकी यहाँ के खिड़की खुल रही थी, मेरे दरवाजा खुलता तो वो एसी यार पार हवा हो रही थी। फिर तो फिर मैंने एसी बंद कर दिया। मैं बोली नहीं, मैं बिना एसी सो जाऊं कोई बात नहीं, लेकिन दरवाजा खुला होना चाहिए। तो रात को कौशिक जी बाहर वाले कमरे में सोए हैं और मैं अंदर हूँ। कल से हम दोनों अलग अलग हैं, वो उधर मैं इधर हूँ। बस हमारा यही चल रहा है मेरा कौशिक जी का। और आज इनके यहाँ पे पूरी ब्रांच सैनिटाइज हो गई है। और जो टेस्ट ये गए थे टेस्ट करवाने के लिए, पूरे मतलब पूरे पूरा स्टाफ गया था टेस्ट करवाने के लिए। पहले तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल गए थे ये लोग करवाने के लिए, तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भीड़ ज्यादा थी, तो वो देख के लोग वापस आ गए हैं। फिर यहीं पे प्राइवेट वालों को बुलाया बैंक में, पहले बैंक सैनिटाइज करवाया, उसके बाद वो प्राइवेट जो टेस्टिंग करता है जो उसको बुलाया, फिर सब लोगों ने अपना ये टेस्ट करवाया है और रिपोर्ट कल आएगी। भगवान सब बढ़िया बढ़िया हो, सब ठीक ठाक हो। जय माता की। माँ मैं तो कह रही हूँ मैया, मैंने तो कभी किसी का वो भी नहीं करा, कभी किसी का बुरा सोचा नहीं ना बुरा करा है। माँ सब सब सही रखियो माँ। और आप मेरे बच्चे हैं मेरे साथ में, मुझे पता है कुछ भगवान मेरे साथ बुरा नहीं करेगा हम लोगों के साथ में। फिर रात को बेटे का भी फोन आया था, बेटा भी कह रहा था पापा ध्यान रखो, आप मम्मी से दूर रहो, अपना ध्यान रखो, बस यही है। अब ये अपना होश नहीं रहता। कल तो कौशिक जी को भी काफी टेंशन सी हो रही थी, चिल्ला चिल्ली दीपा बात कर रही है, कुछ भी दीपा बात कर रही है, दीपा से चिल्ला चिल्ला के जवाब दे रहे हैं। रात को मेरी और इनकी बात पर मैं कह रही झड़प हो जाती है हमारी आपस में। ये कह रहे दरवाजा बंद कर रहा हूँ मैं, उनकी दरवाजा खोल दरवाजा खोलो, मैं नहीं सोऊंगी तो मैं उधर ही आ रही हूँ फिर सोने के लिए। अब यही बताओ ना, अंकुर ये कहने लगा पापा मम्मी का ध्यान रखो, मम्मी का जरूर है ध्यान देना। मैंने कहा ना मुझे पापा का भी ध्यान देना, आजकल कुछ नहीं पता ना इस बीमारी का, ये हमारा वो चल रहा है। बस क्या बताऊं, घर से फोन आ रहे हैं, सबके फोन आ रहे हैं, सब यही कह रहे हैं डरने की कोई जरूरत नहीं है, सब सही हो जाएगा। होता है भाई, डाउट में करवाए जाते हैं, टेस्ट भी करवाए जाते हैं, जगह वो जहां पर है भाई काम चलता है वहां सैनिटाइज भी करवाए जाते हैं अपने उसके लिए, तो डरने की कोई जरूरत नहीं है। अब कल पता लगेगा, भगवान सारे स्टाफ को जितने भी लोगों को टेस्ट हुआ है सबको ठीक रखें बाबा। मेरी तो भगवान से यही दुआ है और आप लोग भी यही दुआ करना कि जो जो सब सब लोग ठीक हो जाए, बस कोई रिपोर्ट ना आए, पॉजिटिव ना आए। और जिसको हुआ था वो अपने घर जा चुका है, वो वहां पर एडमिट होगा जाके। और एक पहले से टेस्ट हुआ पड़ा, उसकी रिपोर्ट आई नहीं है, उसकी शायद कल आ जाएगी। और ये लोग हैं बताओ, एक मैं तो अब ये है ना शिवानी के, अब उस तो हम थोड़ा इस बीमारी के बारे में भूल भी गए थे, भूल चुके थे। फिर अब शिवानी का जब हुआ है घर में, तो उस चीज को वो नई नई ताजा ताजे वाली बात है ना, तो वो देख के ना, वो सुन सुन के ना अब ना बहुत घबराहट हो रही है। और खूब गरम गरम मैं काढ़ा दे रही हूँ, मैं खुद भी पी रही हूँ, कौशिक जी को भी दे रही हूँ, ये भी पी रहे हैं, गरम अदरक की चाय, पूरा पूरा मसाला डाल के चाय, कई कई बार चाय बना के दे रही हूँ। फिर आज तो कौशिक जी की सैनिटाइज हुआ है, दो दिन तो बैंक बंद रहेगा, तो आज सुबह आ गए थे, जल्दी आ गए थे। फिर आके इन्होंने
वहाँ वो तो है ना, कहाँ पे बाहर और अंदर दोनों जगह से इनके यहाँ म्यूनसिपलिटी से आए थे, बाहर और अंदर वहाँ पे कर दिया था। तो बोलो इज कफिंग यार, तो वो लोग घर में नहीं करते हैं। फिर कौशिक जी एक सैनिटाइज करने की बोतल लेके आए हैं, तो इन्होंने आके मैंने वैसे पूरा आज मैं बता रही, मैंने पूरा सारा सैनिटाइज लेकर सारे पहुंच दिए, फ्रिज है, टीवी है, सारे जो जो मेरे हाथ में आने वाला सामान था मैंने सब साफ कर दिया। उसके बाद कौशिक जी आए हैं बैंक से, तो इन्होंने पूरे पूरे दरवाजे वरवाजे पूरे कोने कोने के पूरा बाथरूम बाथरूम सब सैनिटाइज करा है। बस आज सुबह से बैठे हैं, छुट्टी है कौशिक जी की, कौशिक जी बाहर है मैं अंदर हूँ, कोई फर्क नहीं पड़ता इस चीज से, बस ठीक रहे, बस यही है। और आप लोग भी अपना ध्यान दो, कुछ बहुत ज्यादा केस आ रहे हैं इस चीज के बहुत ज्यादा, और ध्यान दो अपना भैया, बाहर मत निकलो, अपना ध्यान दो। मैं तो सबसे पहले से सबको वो कर रही थी, सबको मैं तो कौशिक से कहते रही थी पहले से, भाई अगर कोई दिक्कत आती है तो कौशिक थ्रू आएगी हमारे घर में, और वो सही है, मैं तो जाती भी नहीं हूँ बाहर, कौशिक जाते हैं, बस यही है। अब अंकुर भी कह रहा था कि वो आप अपने घर चले जाते तो ठीक था यहाँ से, मैंने कहा भैया मैं पापा को ना छोड़ के जा सकूं, दीपा कह रही मम्मी मेरे साथ आ जाती, मैंने कहा ना हो इतना थोड़ा ही पता है, और जरूर थोड़ी है कि बीमारी होगी, अब मुझे जितनी उम्र लिखवा के आए उतना तो हमें भोगना ही है, मैंने कहा इससे कोई बात ना, कोई फर्क ना पड़ेगा, बस यही मन थोड़ा मेरा नहीं हो रहा था, फिर भी मैंने सोचा चलो आप लोगों को थोड़ा सा मैं अपना बता देती हूँ आज हाल चाल क्या है, क्या चल रहा है। अंकुर ने भी कहा था पापा मम्मी की भी टेस्टिंग करवा दो, मम्मी को भी टेस्ट करवाओ जाके, तो मैं ये वो कहने लगे टेस्ट मैं जब करवाऊंगा ना मम्मी को, अगर मैं मेरे को कुछ दिक्कत आती है तब मैं मम्मी का टेस्ट करवाऊंगा, अभी मैं मम्मी का टेस्ट नहीं करवाऊंगा, अगर मेरे नहीं आती है तो फिर मम्मी को तो मेरे थ्रू होगी ना, और कोई थोड़ा ही है। अभी कह रहा था बेटा कि भाई मेरे वो उसके तो वहाँ पे MR के वहाँ से मिल जाते हैं, देखे जाते हैं वो लोग, तो कह रहा मेरे पास तो ऑक्सीमीटर है मम्मी, मैं कैसे पहुँचाऊंगा आपको, आप ऑक्सीमीटर मंगवाओ जो चेक करते हैं ना कि अगर 94-93 होता है तो कम है तो फिर ये मतलब वो उसके वो है लक्ष्य है मतलब दिक्कत है उस चीज की। तो फिर मैं बोली मैंने की मैं सोच रही थी मंगवाने के लिए, दीपा कह रही मैंने कहा भी था मम्मी मंगवा दूं, मैं मम्मी पर कंजूसी बहुत करती हूं, मना कर दिया, जिनके ऑनलाइन ना मैं बता रही हूँ ऑनलाइन एक तो चीज महंगी आती है और दूसरा फिर खराब आ जाती है तो फिर वो रिप्लेस करनी पड़ती है, रिप्लेस करने पर मिलेगी तो पैसा चला जाए, रिप्लेस करके भी ना वो चीज वैसी ही आती है वापस लौट के, वो कोई मतलब ठीक होकर नहीं आती, अच्छी वाली नहीं आई, वो ऐसी है जो दूसरों की रिप्लेस करी हुई चीजें आ जाती है उनको हमारे यहाँ भेज देंगे, हमारी जो खराब हो गई है उसे दूसरे के रिप्लेस कर भेज देते हैं, ऑनलाइन फिर चीजें ऐसी होती हैं। और सुबह से घर वालों के फोन आ रहे हैं, मम्मी भी कह रही ध्यान रख बेटा अपना ध्यान रख, थोड़ा सा वो रखो आप दूर करके रखो घर में दूर रखो, महेंद्र जी तू दूर दूर हो रहे हो जाओ भैया, हमने सामने भी बैठे बेड मतलब इनका कौशिक जी का तो ये हो गया है कि कौशिक जी मतलब बेड पे भी नहीं बैठे, मैं बेड पे भी नहीं बैठे दे रही कौशिक जी को, भाई ये तो है बाथरूम हमारा एक है, टॉयलेट हमारा एक है, तो भाई हाँ वहां से बराबर में से जाएंगे निकल के, वो भी सैनिटाइज करा जा रहा है, जब भी जा रहे कोई जा रहा है तो कर रहे हैं वो, लेकिन रास्ता तो वही घर में कमरे तो वही है उसमें से निकलना है, इतना नहीं कर पाएंगे हम यहाँ पे एकदम पूरा ही कमरे में बंद कर देंगे, ये नहीं हो पाएगा। अब कल तक का हम वेट करेंगे, कल देखते हैं क्या रिपोर्ट आएगी, भगवान से आप सब लोग दुआ कीजिए कि कुछ ना हो, किसी को भी कुछ ना हो, सबका रिपोर्ट नेगेटिव आए और सब ठीक रहे। आज मैंने सुबह की वीडियो भी नहीं दिखाई थी चाय की, कौशिक जी अलग सोए थे, मैं सुबह 5 बजे उठ गई थी, मैंने कौशिक जी से कहा कि जाओ कौशिक जी उठ जाओ वगैरह में जगह पड़ा हूँ, ये भी नहीं सोए थे रात में भाई, टेस्ट करने के लिए सुबह 7 बजे हॉस्पिटल जाना था, तो फिर ये उठ के 7 बजे चले गए, लेकिन वहां को भीड़ देख के लोग वापस आ गए, सारे सब लोग वापस आ गए, फिर अपने यहीं पे करवा लिया जय जो भी है। अब कल जैसे जो भी रिपोर्ट आएगी ना मैं आप लोगों को बताऊंगी, इसलिए मैं कौशिक जी को वीडियो में भी नहीं लाई हूँ अब, क्योंकि ये मेरे पास बैठते मैं इनको अपने पास भी नहीं आने दे रही हूँ कि दूर रहो, कोई बात नहीं कोई फर्क ना पड़ेगा थोड़े उससे,
कब जाएगी ये बीमारी, अब तो इतने केस आ रहे हैं इस बीमारी के, पता ना कब ये दुनिया से जाएगी। दुनिया से ही कहूंगी मैं, इंडिया से नहीं, दुनिया से जाएगी। कोई इंसान है सारे जो जिनके साथ हो रहा है, बीमारी आ रही है जा रही है, सबके लिए ये मैं तो कहूँ। मेरे बाबा जी सुनो, आप जल्दी सुनो और जल्दी से कोई दवाई बनाओ इस चीज की, कि सब ठीक हो जाए। आज की दुनिया में कोई आदमी ठीक नहीं है। मैं कहती हूँ मैं बीमार हूँ, हर घर में कहीं भी देखोगे सब जगह आपको बीमार लोग मिलेंगे। कोई शुगर से है, कोई हार्ट से है, कोई मतलब वो अस्थमा है, कोई कुछ मतलब कोई ना कोई बीमारी सभी को लगी हुई है। हम लोग तो इतना फिर भी कर लेते हैं, चलो मेरा भी घर बहुत छोटा सा है, दो कमरे का है, लेकिन जो झोपड़ियों में रहते हैं उन लोगों को बताओ ना, वो बेचारे कहाँ तक क्वारंटीन करेंगे बताओ, नहीं कर पाएंगे हैं। अब ये बताओ ना, जब मेरा दो कमरे का मैं खुद को इतना नहीं कर पा रही, अगर कह रहे हैं पता है, अगर तुम्हें कुछ होता ना, मैं तुमसे ये नहीं कहता कि तुम जाके बाहर सो, मैं नहीं बोलता इस चीज के लिए। अगर तुम्हें कुछ होता तो मैं नहीं बोलता कि तुम जाके बाहर सो, मुझे मेरे पास होने की जरूरत नहीं है, लेकिन तुमने फट से कह दिया मेरे से ये चीज कि वहां जाके सो बाहर, मतलब लॉबी में जाके हॉल दूसरा कमरा वहां जाके सो, तुमने फट से कह दिया, मुझे बहुत महसूस हुई है। मैंने कही मैंने कि मेरे को फील हो रही है चीज, पर मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने की बीमारी ऐसी है, मैंने की करना पड़ा, मुझे मजबूरी है मेरी, मुझे महसूस है। मैं रात को सोई नहीं थी इसीलिए कि कौशल जी वहां सोए हुए थे और मैं यहाँ थी, मुझे महसूस हो रही थी कि देखो अलग कमरे में सोए हुए हैं, मैं खुद नहीं सोई थी रात को। और अभी भी कौशल जी बाहर ही हैं, सुबह से बाहर है बाहर वाले कमरे में और मैं अंदर वाले में हूँ, मतलब बैठ के एक दूसरे से हम बात भी नहीं कर रहे हैं कि भाई हम एक दूसरे से बैठ के आमने सामने पहले जैसे बात करते थे ऐसा कोई बात नहीं कर रहे हैं। कल रिपोर्ट आने के बाद फिर देखते हैं। और मेरी एक सब्सक्राइबर है अंकिता बोदल खंडे, जिनके बेबी बॉय हुआ है और नॉर्मल हुआ है बच्चा, मेरी उन दोनों माँ बेटा को आंटी की तरफ से, आंटी माँ की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं आप दोनों को, और बच्चा और बच्चे की माँ को, दोनों स्वस्थ रहें। और मेरी ये शुभकामना है दोनों के लिए, अच्छी वाली शुभकामना, बढ़िया बढ़िया आंटी माँ की अच्छी वाली शुभकामनाएं। मेरा आशीर्वाद सदा बना रहे आप लोगों पे दोनों, बेबी बॉय पे, बेटे पे, छोटे बेटे पे है, और उनकी मम्मी पर, ठीक है। बढ़िया बढ़िया है, अब आगे बढ़िया बढ़िया ही होगा, ठीक है बेटा, बढ़िया ही बढ़िया हो, कोई चिंता करने की कोई बात नहीं है, ठीक है। और मेरा आशीर्वाद मैंने आपको दे दिया है, मेरा आशीर्वाद आप लोगों के साथ में है। चलिए फिर मिलती हूँ मैं, अब ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ और कल मिलूंगी अदरक की चाय के साथ नई वीडियो के साथ में, ठीक है। चलिए मिलते हैं कल, बाय, गुड नाइट, लव यू ऑल। चलिए बेटे फिर मिलते हैं कल सुबह।